अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मिनटों में और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई ली, कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 5 मिनट हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, भुन चुकी है, आप कलर देख सकते हैं चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का। अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से भूनना जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करें 1 टीस्पून नमक का। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मैंने इस तरह से कट कर लिए, 2 पीस कर लिए, 2 टमाटर थे। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इसका कवर ओपन करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ये करेंगे कि इसका जो स्किन है ना, वो हम निकाल देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ईजली तरीके से इसकी स्किन रिमूव हो रही है। वन बाय वन करके हम इसकी सारी स्किन निकाल देंगे। टमाटर की सारी स्किन रिमूव हो गई है, अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/4 स्पून, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम सारे मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का। काली मिर्च के बाद हम इसको भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं चिकन में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ कसूरी मेथी का। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, डबल टेस्टी हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा बॉल, मैंने दही का लिया, ये ऐड करेंगे। ये वही दही यूज़ किया जो सिंपली घर में यूज़ होता है, जो हम लेते हैं दुकानों से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे फ्लेम हाई पे रख के। दही अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, अभी हम इसका कवर हटाएंगे, इसको चेक करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है और इसमें क्या कमाल की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे गार्निश के लिए। हरी मिर्चों से जो चिकन कढ़ाई की जो खुशबू है, जो टेस्ट है, वो ज़्यादा हो जाता है। थोड़े से धनिए के पत्ते ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक के कुछ स्लाइसेस ऐड करेंगे, ये मैंने बिल्कुल बारीक करके कट किए थे, ये ऐड करेंगे। अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।